मध्यम पृथिवी यच्चनाभ्यं यास्तौर्जस्तन्वः संबभूवुः तासुनो धेभी नः पवस्वमाता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः। अपनी योग चेतना से, अपनी आंतरिक चेतना से, आंतरिक शक्ति से, अपनी दिव्य शक्तियों से पूरे विश्व को, पूरी मानवता को आप्लावित करने वाले, उनको ज्ञान से संपृक्त करने वाले, ऋषि संस्कृति को एक नई पहचान देने वाले, संन्यास संस्कृति के गौरव, हमारी कृषि संस्कृति के गौरव, भारतीय संस्कृति के एक महापुंज चमकते हुए सितारे, ऐसे पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में मैं मध्य प्रदेश की ओर, मध्य प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से, सभी जनता की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस मध्य प्रदेश की पावन धरती पर उनका अभिनंदन करता हूँ। सभी संत चरणों को प्रणाम करता हूँ। सभी हमारे वरिष्ठ जो कार्यकर्ता और इस अभियान को पूरे मनोयोग से, पूरे समर्पण के भाव से, पूज्य महाराज जी के आदेशों को, निर्देशों को अक्षरशः पालन करने वाले हमारे आदरणीय मुख्य केंद्रीय प्रभारी आदरणीय डॉक्टर जयदीप आर्य जी को, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। इस भारत मध्य प्रदेश की पावन धरती पर समस्त मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ। आज हम सब सुनने आए हैं, पूज्य महाराज जी के मुखारविंद से कुछ सुनने के लिए आए हैं, तो आज कुछ ज्यादा बोलने का वैसे समय नहीं है, पर एक छोटी सी बात मैं आप सब लोगों को कहूंगा। जो हम सबसे पूज्य महाराज जी अपेक्षा भी रखते हैं और उनकी इच्छा भी है, उन्होंने हमें यही सिखाया है, उन्होंने जो हमें ज्ञान दिया है, उस ज्ञान का एक ही सार है कि हमारा जो भी अस्तित्व है वो परिवार के लिए नहीं है। हमारा अस्तित्व इस समाज से है, इस राष्ट्र से है, हमारा अस्तित्व इस ब्रह्मांड से है, पूरे मानवता से है, समष्टि से हमारा अस्तित्व है। तो हमारा जब अस्तित्व समाज से है तो हम समाज के लिए क्यों ना जिए। यदि हम अपने पूरे जीवन का मूल्यांकन करें तो हमारा पूरा जीवन 4, 5, 8, 10 लोगों के लिए सिमट करके रह जाता है। जो जीवन न जाने कितनी मेहनत करने के बाद में इतना पवित्र जीवन, ये मानव जीवन हमें मिलता है, और हम बहुत छोटे से उद्देश्य के लिए उस मानव जीवन को व्यर्थ गंवा देते हैं। मैं आप सबसे यही अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारा पूरा अस्तित्व समाज से है तो हम समाज के लिए कुछ ना कुछ अवश्य समय निकालें। एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा जब आप खाते हैं, खाने से पहले उस रोटी के टुकड़े को आप देखिए और उसमें ये देखिए कि इस रोटी के टुकड़े को मेरे तक पहुंचाने में कितने लोगों का योगदान रहा है। आप यदि थोड़ा सा विचार करेंगे कि जिस चक्की में वो गेहूं पिसे हैं, जिस आटे से ये रोटी का टुकड़ा बना है, उसमें वो बिजली जो आई है, वो बिजली जिस डैम से आई है, उस डैम में जितने लोगों ने परिश्रम किया है, श्रम किया है, उनका योगदान उस रोटी के टुकड़े में है या नहीं। वहां पर जितनी मशीनरियां बनी है, मशीनरियों ने काम किया है, जितनी मशीनों ने काम किया है, उन वो मशीनें जिन फैक्ट्रियों में बनी है, उन फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों का योगदान उस रोटी के टुकड़े में है या नहीं। वहां जो लोग काम कर रहे हैं, कपड़ा पहन करके आए, कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्रियों का योगदान उसमें है। वहां जो शिक्षा लेकर के आए, पूरी शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए लोग, उनका योगदान है। यदि हम एक एक चीज देखें, जिन फैक्ट्रियों से वो लोहा निकला है, जिन खदानों से वो लोहा निकला है, वहां जो लोग काम कर रहे हैं, उनका योगदान उस रोटी के टुकड़े में है। यदि हम बहुत गहराई से देखें तो हमें पता चलेगा कि उस छोटे से रोटी के टुकड़े में यदि हम ये देखें, देखने की कोशिश करें कि इसमें कितने लोगों का योगदान है, तो गहराई से देखने पर ये पता चलता है कि शायद इस दुनिया में कोई एक ऐसा इंसान हो जिसका योगदान उस रोटी के टुकड़े में ना हो। हम कपड़े पहनते हैं, भोजन करते हैं, कोई भी चीज हम प्रयोग करते हैं, उसमें सबका योगदान है। तो हमारा जीवन भी किसके लिए होना चाहिए? सबके लिए होना चाहिए। यही पूज्य श्री जी हमें सिखाते हैं। और सबके लिए हमारा जीवन हो, सबके लिए हम दिन रात हमारा जो प्रयास हो वो पूरी मानवता के लिए हो। आज कुछ दुष्ट लोग, अन्यायी लोग, अत्याचारी लोग पूरी मानवता को, पूरे समाज को त्रस्त कर रहे हैं, पूरे समाज को एकदम खोखला कर रहे हैं। कमी
उन लोगों की ज्यादा नहीं है। मैं इस बात को कहा करता हूं और उस बात को महर्षि चाणक्य ने कहा है कि इस समाज में जितनी भी बुराइयां हैं, इस समाज में जितने भी पाप और अन्याय अत्याचार हैं, उसका जिम्मेदार जो दुराचारी व्यक्ति है, उसकी जो सक्रियता है, उससे ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति वह है जो सज्जन है और निष्क्रिय बैठा है। हम सज्जन हैं और हम निष्क्रिय बैठे हुए हैं, इसलिए ये दुर्जन लोग अपनी दुर्जनता में सफल हो पा रहे हैं। हम यदि सक्रिय हो जाएं, एक बार उठ करके खड़े हो जाएं, हम तो भगवान राम के वंशज हैं, हम ऋषियों की संतान हैं, हम भगवान कृष्ण के उपदेशों को मानने वाले हैं। आज हमारे बीच में भगवान राम और भगवान कृष्ण के साक्षात रूप पूज्य स्वामी जी महाराज आए हुए हैं, और हम यदि प्रयास करें, हम यदि मेहनत करें, तो मैं निश्चित कहता हूँ कि भारत की क्या पूरी दुनिया से हम पाप को मिटा सकते हैं, अन्याय अत्याचार को मिटा सकते हैं। हमें बस अपने उत्साह को बना करके रखना है, कभी भी अपने उत्साह को कम मत होने दो। उत्साह कभी जब भी कम होगा हर काम कठिन लगेगा, और जब उत्साह हमारा बहुत ज्यादा होगा तो चाहे कितना भी बड़ा काम आ जाए आप उसको चुटकियों में कर देंगे। हमें अपने उत्साह को बरकरार रखना है, और आज हम सब यहाँ पर आए हैं पूज्य गुरुदेव से उत्साह लेने के लिए आए हैं, अपने फिर से उस ज्योति को जागृत करने आए हैं। और पूज्य गुरुदेव का एक जो वचन कि आत्मदीपो भव, अपने भीतर उस शक्ति को, उस ज्योति को जागृत करो। पूज्य गुरुदेव हमारे भीतर है, हमारे हृदय में है, और निरंतर वो प्रेरणा देते रहते हैं कि उठो, जागो, आगे बढ़ो, बाधाओं में रुको मत, प्रलोभनों में झुको मत, आगे बढ़ते जाओ, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, आपको लक्ष्य अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। बोले भारत माता की। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि शरण। हर कार्य